हेलो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ चैनल मॉड्यूलेटर, इनकोडर मॉड्यूलेटर के बारे में। एक डिवाइस होता है जिसमें आप एलसीयू अगर चाहता है अपने एंड पे लोकल चैनल चलाना, तो उसे कैसे चलाते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल पर देख रहे हैं। एक इनकोडर मॉड्यूलेटर एक डिवाइस होती है। इसमें क्या होता है, ये 8 चैनल का इनकोडर मॉड्यूलेटर है, यानी एक इससे आप 8 चैनल पास कर सकते हैं। 8 चैनल पास करके इसमें डायरेक्टली आरएफ आउट का भी फंक्शन रहता है, फ्रिक्वेंसी सेट करने का फंक्शन रहता है, सारा चीज अवेलेबल रहता है। तो चलिए एक एक करके मैं बताता हूँ। इनकोडर सेटिंग में आना होता है हमें। इनकोडर सेटिंग में आने के बाद मैं आपको ईच एंड एवरी मेनू दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमें पहले बीटरेट सेट करना होता है कि अगर चैनल का बीटरेट कितना, अगर एक चैनल में एक डीएस में 8 चैनल चला रहे हैं तो 3 से 4 Mbps बीटरेट रख सकते हैं। मैक्स बीटरेट कितना रखना है आप वो दे सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद बीटरेट मोड है, यहाँ पे हमेशा बताता हूँ मैं, सीबीआर वीबीआर दो मोड होते हैं, हमें सीबीआर में रखना चाहिए ताकि बीटरेट को हम मैनेज कर सके। हमारा वीडियो फॉर्मेट क्या है, एमपेक 2 है या एचडी, अगर मेरा एमपेक 2 है तो एमपेक 2 मैंने सेलेक्ट कर रखा है। फिर एस्पेक्ट रेशियो 2 होता है 4:3 एंड 9:16:9, हमें 4:3 सेलेक्ट करना रहता है। उसके बाद ऑडियो फॉर्मेट हमें सेलेक्ट करना होता है। ऑडियो फॉर्मेट में हमेशा एमपेक 1 लेयर 2 डालना है एमपेक 2 हेडेंड के लिए। ये सैंपल फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे, वो सेट कर लीजिए। उसके बाद ऑडियो बिटरेट डालना है हमें, जो आपका हेडेंड सपोर्ट करता है, 322 kbps मैंने सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे है आपका चैनल का ब्राइटनेस कितना देना है, कंट्रास्ट कितना देना है, और ये सारा चीज़ सेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक और मीनू है हमारा प्रोग्राम आउटपुट इनेबल। अगर प्रोग्राम आउटपुट इनेबल को अगर मैं यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ, चैनल आपका ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आके आपका चैनल का नाम दे सकते हैं, जिस सर्विस आईडी पे डालना हो सर्विस आईडी सेट करना होता है, पीएमटी पीसीआर पिट सारा डालने के बाद लास्ट में यहाँ पे आके अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे तो सेव हो जाएगा। अगर आपने ऑडियो वीडियो का केबल डाल रखा है तो दोनों वीडियो एंड इनकोडिंग ग्रीन हो जाएगा। इस तरीके से 8 चैनल का ये मॉड्यूलेटर है। तो 8 चैनल पे आप लोगों को करना है इस सेम कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद भी हमें देखना है, अगर हमें एएसआई मोड पे चलाते हैं तो ASI का सेटिंग करना है, यहाँ से पीट पास करना होता है। लेकिन हम आपका अगर ये है IP बेस्ड है तो IP पे चला सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट चला लोकल एंड पे चला रहे हैं तब डायरेक्टली RF आउट से मिल जाएगी। फिर इसके बाद मॉड्यूलेटर एक फंक्शन है, मॉड्यूलेटर फंक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आकर आपको फ्रिक्वेंसी सेट करनी रहती है कि कौन से फ्रिक्वेंसी पे आप चैनल चलाना चाहते हो। अगर सपोज 306 से लेके 562 फ्रिक्वेंसी तक अगर आप हेड एंड में यूज कर रहे हैं तो कोई एक फ्रिक्वेंसी छोड़ना होगा, डालना उस फ्रिक्वेंसी पे डाल के आप लोकल चैनल LCU आपका रन कर सकता है। यहाँ पे क्वैम सेक्टर लिए कौन सा क्वैम है सिंबल डालिए, RF फ्रिक्वेंसी डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद उसके बाद एक जनरल ऑप्शन है। जनरल ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे आप अपने नेटवर्क आईडी डालिए, NIT डालिए, ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम डालिए, एंड उसके बाद जो भी है ये डालने के बाद अप्लाई करना होगा। अगर आप हम लोग SDT ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा चैनल का नाम म्यूट आएगा। अगर आप चैनल का नाम देना चाहते तो SDT सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ से NIT मैंने डाल रखा है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे आगे सेव में आना होता है। सेव में आके यहाँ पे सेव कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं आप रिस्टोर कर सकते हो। अगर आपके डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है तो फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं आप। ये सारा फीचर आपको यहाँ पे अवेलेबल है। और इसके बाद और जो सिस्टम में यहाँ पे रिबूट है, अगर आप इनकोडर को रिबूट करना चाहते हैं डायरेक्टली यहाँ से रिबूट कर सकते हैं। बैकअप में आके बैकअप ले सकते हैं। रिबूट पे मैं एक बार क्लिक करके दे रहा हूँ, अभी सेव हो रहा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जैसा कि अगर आप रिबूट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रिबूट कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद एक नेटवर्क का ऑप्शन है, नेटवर्क पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना NMS IP सेट कर सकते हैं, जैसे इसका NMS IP सेट किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ से पासवर्ड है, आप जो पासवर्ड अगर आप चाहते हो बाय डिफ़ॉल्ट से कुछ और नया पासवर्ड डालना तब यहाँ से पासवर्ड डाल सकते हो। लास्ट ऑप्शन है बैकअप एंड लोड। बैकअप एंड लोड में आके यहाँ से बैकअप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बैकअप कॉन्फ़िगरेशन करके आप सेव करके आप अपने अपना रख सकते हैं। अगर फ्यूचर में कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये फाइल के थ्रू आप यहाँ से लोड पे आके ये करना है, चूज फाइल पे आके यहाँ से पाथ सिलेक्ट करना होता है, और उसके बाद आप अपलोड कर दोगे तो एज इट इज आपका कॉन्फ़िगरेशन रन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ तो है नहीं, एक बार ब्रीफिंग फिर से मैं दे देता हूँ। इनकोडर में आके यहाँ पे सारा पैरामीटर्स फिल करने हैं। इनकोडर का पैरामीटर फिल होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि आप
इसे इनेबल कर लीजिए ताकि सर्विस नेम और सर्विस आईडी यहाँ पे आप डाल सके। उसके बाद फिर आपका है जनरल में मॉड्यूलेटर में आना है। मॉड्यूलेटर में आके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डालनी होती है, जो फ्रीक्वेंसी पे आप चलाना चाहते हैं वो फ्रीक्वेंसी और सिंबल रेट यहाँ पे डालिए। फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद एक और ऑप्शन है जनरल। जनरल में आने के बाद यहाँ पे आप चैनल का नाम डालना चाहते हैं तो एसडीटी का इनेबल करिए और यहाँ पे आप अपना और नेटवर्क नेम टीएसआईडी डालना होता है, फिर अप्लाई करके सेव कर सकते हैं। और फाइनली लास्ट में सारे काम होने के बाद सेव कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।